हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 20,000 जो आप लोगों को 2,000 रुपये से मिल सकती है, जो कि एक ऑलराउंडर फोन भी हो सकता है और गेमिंग फोन भी हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक कर। तो चलो शुरू करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर है मोटोरोला का Moto G82 5G, जो अभी के टाइम पर आपको 19,999 में मिल जाएगा विथ प्रोसेसर क्वालकॉम का Snapdragon 695 और रैम आपको 6 GB और स्टोरेज 128 GB। और बात करें इसके कैमरे की, तो इसमें रियर कैमरा में आपको 50 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP दिया गया है। अब बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और इसके बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है विथ डिस्प्ले 6.6 इंचेस 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये था हमारा 5 नंबर का फ़ोन। अब चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर आता है रियलमी का Narzo 50 Pro 5G, जो अभी के टाइम पर आपको 17,999 में मिल जाएगा। अब इसकी बात करें प्रोसेसर की, तो MediaTek का Dimensity 920 दिया गया है विथ रैम 6 GB। बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें रियर कैमरा में आपको 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP दिया गया है। अब फ्रंट कैमरा में 16 MP दिया गया है। अब बात करें इसकी बैटरी को, तो 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है। अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड विथ 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। तो ये था हमारा नंबर 4 स्मार्टफोन जो आप लोगों को 17,999 अभी के टाइम पर मिल सकता है। तो अब चलते हैं हम नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर आता है रियलमी का Realme 9 5G स्पेशल एडिशन, जो इसके प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम पर आपको मिल जाएगा 16,499। बात करते हैं इसके प्रोसेसर का, तो इसमें दिया गया है क्वालकॉम का Snapdragon 778G। अब इसके बात करें रैम और स्टोरेज की, तो रैम दिया गया है 8 GB विथ स्टोरेज 128 GB। बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको इसमें दिया गया है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी। अब बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें दिया गया है रियर कैमरा में 48 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP और फ्रंट कैमरा में 16 MP दिया गया। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आपको डिस्प्ले में 6.6 इंच का FHD प्लस विथ 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है, जो कि आप लोगों को मोबाइल चलाने का एक्सपीरियंस बेहतरीन से कर देगा। तो अगर आप लोगों को गेमिंग के लिए लेना चाहते हो, तो नंबर 4 का फ़ोन Realme Narzo 50 Pro 5G और Realme 9 5G SE एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ये था हमारा नंबर 3 का फ़ोन। अब चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आता है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 11 Pro, जो अभी के टाइम पर आपको मिल जाएगा 17,999 में। और इसके बात करें प्रोसेसर में, प्रोसेसर की, तो MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर आपको दिया गया है विथ रैम 6 GB। अब बात करें इसके कैमरा में, तो 108 MP दिया गया है वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा के लिए, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए, 2 MP मैक्रो कैमरा के लिए, 2 MP डेप्थ कैमरा के लिए, यानी 108 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP का रियर कैमरा दिया गया है। अब बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें फ्रंट कैमरा 16 MP का दिया गया है। और इसकी बैटरी की बात करें, तो इसमें दिया गया 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो 67W का चार्जर सपोर्ट करता है, जो कि आप लोगों का मोबाइल 15 मिनट में फुल चार्ज कर सकता है। अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें डिस्प्ले दिया गया है 6.67 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ 120Hz का रिफ्रेश। तो अगर आप लोग एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन और गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हो, तो आप लोगों के लिए Xiaomi Redmi Note 11 Pro एक अच्छी डील हो सकती है। तो अब हम देखेंगे नंबर 1 के पोजीशन का फ़ोन। तो नंबर 1 के पोजीशन पर आता है Poco X4 Pro 5G, जो अभी के टाइम पर आपको मिल जाएगा 15,499 में। और इसका रैम की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो 6 GB विथ 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसमें प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम का Snapdragon 695, जिसमें एक हैवी गेम भी एक मक्खन की तरह चलेगी। अगर आप लोग गेमिंग फोन चूज कर रहे हो, तो आपको लिए ये Poco X4 Pro 5G एक बहुत ही अच्छी डील हो सकती है। तो अब बात करें इसके कैमरा की, तो इसमें दिया गया है रियर कैमरा में 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP और फ्रंट कैमरा में 16 MP। तो अब बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें दिया गया है 6.67 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ 120Hz का रिफ्रेश रेट, जो अभी गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगर आप बोलो तो Poco X4 एक ऑलराउंडर फोन है, जिसमें आप लोगों को प्रोसेसर भी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा, जिसमें रिफ्रेश रेट भी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा, 64 MP का कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग एक ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हो, जिसमें आपको गेमिंग भी अच्छी करनी है और कैमरा भी बेहतरीन चाहिए, तो आप लोग Poco X4 Pro 5G के साथ जा सकते हो। तो ये था टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 20,000। आप कमेंट में जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा मोबाइल खरीदने वाले हो। हम और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं।